हेलो स्टूडेंट नमस्कार स्टूडेंट हेल्प हिंदी के एक और नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो आपने जुलाई 2021 से जून 2022 वाले पाठ्यक्रम में एडमिशन लिया होगा और अभी अभी आपने जून 2022 में एग्जाम दिया होगा उसका रिजल्ट आखिर में कब आएगा तो देखो मैं पंडित सुंदरलाल शर्मा के ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिटेड हूँ और जब मैं यहाँ पे नोटिफिकेशन पे जाता हूँ तो यहाँ पे रिजल्ट को लेकर कोई भी यहां पे सूचना जारी नहीं की गई है लेकिन यदि आप इसके पोर्टल पे विजिट करोगे तो यहां पे नए स्टूडेंट के लिए यहां पे एप्लीकेशन 1 जुलाई से यहाँ पे आना चालू हो चुके हैं लेकिन साथ साथ यहाँ पे ओल्ड स्टूडेंट के लिए भी यहाँ पे जो मान लो कि यदि आपने फर्स्ट ईयर का यहाँ पे एग्जाम लिखा होगा तो आप सेकेंड ईयर में यहाँ पे एडमिशन लेते हो उसका भी यहाँ पे एक जुलाई से चालू हो जाएगा तो रिजल्ट नहीं आया तो आप एडमिशन कैसे लोगे तो देखो जो आपका रिजल्ट है वो पंद्रह जुलाई के अंदर अंदर तक आ जाएगा इसके बाद फिर आप एडमिशन ले सकते हो मान लो पंद्रह जुलाई के अंदर में नहीं आया या फिर जुलाई लास्ट तक यदि नहीं आया तो भी आप एडमिशन ले सकते हो जैसे आप तो वैसे भी देख देख के लिखना था मतलब घर से ही लिखना था तो उसमें फेल तो हो गई नहीं यदि फेल भी होते हो तो आप ए टी के टी में आप अप्लाई कर सकते हो तो आप बिल्कुल एडमिशन ले सकते हो और आपका जो रिजल्ट है वो जुलाई के लास्ट तक आ ही जाना चाहिए इसके अतिरिक्त आपको रिजल्ट कैसे फाइंड करना है देखो पंडित सुंदरलाल शर्मा के पोर्टल पे आपको जाना है पी एस एस ओयू डॉट नेट स्लैश पोर्टल इसपे जाना है यहाँ पे देख लो क्लियरली यहां पे रिजल्ट दिख रहा है अब जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको रिजल्ट मिल जाएगा अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है अभी दिसंबर दो हजार वाला जो एग्जाम हुआ था आपका उसका ही यहाँ पे रिजल्ट अभी आया है देख लो आप पूरा देख लो यहाँ पे दो अभी दो का अभी कोई भी रिजल्ट नहीं आया ये देखो डेट है जो पब्लिश डेट है वो दिखा रहा है बाकी यहाँ पे रिजल्ट देखोगे दिसंबर दो का इसके